नमस्कार दोस्तों, डीके सीडियो होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ, जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। G+1 का प्लान है, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। वो प्लान जो है हमने क्लाइंट के लिए बनाया था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। उस प्लान को मैं डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस का नंबर है। अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की जरूरत है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है 44 फीट बाय 48 फीट 6 का यह पूरा प्लान है। इसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का मतलब ऊपर की मंजिल का प्लान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 44 फीट बाय 48 फीट का यह पूरा प्लॉट का साइज़ है जिसमें हमने यह प्लान बिठाया है। थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ ताकि आपको डायमेंशन और भी क्लियर नज़र आ जाए। देखिए, ये जो इस साइड में हमारा रोड है और बाकी के तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। लेकिन हमने पीछे साइड में 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है वेंटिलेशन के हिसाब से। यहाँ पे भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए और फ्रंट में 7 फीट का ऑफसेट छोड़ा है वेंटिलेशन और गार्डन के एरिया के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15 फीट का ऑफसेट छोड़ा है पार्किंग के लिए। ठीक है, तो दो कार जो है हमारी आराम से पार्क हो जाएगी। ये जो मेन रोड है, मेन रोड से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा, ये गेट जो इस साइड में स्लाइड होगा, यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारी कार जो है, दो कार आराम से पार्क हो सकती है या तो बाइक वगैरह इस साइड में और भी पार्क हो सकती है। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे इस हॉल में। देखिए 19 फीट बाय 22 फीट का काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्लॉट का साइज, सॉरी इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब 19 फीट बाय 22 फीट का। और उसमें एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया है, अगर आप चाहे तो ये पूजा रूम रख भी सकते हैं या तो आप हटा भी सकते हैं। और इसके बाद में ये लिविंग रूम से ये स्टेयर के साथ एडजस्ट किया है ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लेक्स फ्लैट भी हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक किचन दिया गया है लगभग 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का, मतलब 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का, काफ़ी बढ़िया साइज़ है 16.5 फीट बाय 14 फीट का। और इसे दो विंडोज बताए गए हैं, तो दो विंडोज की वजह से काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसमें एक किचन और डाइनिंग भी एडजस्ट हो जाएगा। इस साइड में हमारा एक डोर दिया है हमने इस वाशेरिया को यूज़ करने के लिए, यहाँ पर जो है वाशेरिया यूज़ करेंगे और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं या तो अंदर भी आ सकते हैं। बाद में पीछे साइड में आते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहाँ पर बाथरूम और यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है, 5 फीट बाय 8 फीट का बाथरूम और 4 फीट बाय 4 फीट का एक टॉयलेट दिया गया है, जो हम लिविंग रूम से भी यूज़ कर सकते हैं और किचन से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है और यहाँ पर एक बेडरूम दिया है। तो ये जो बेडरूम है लगभग 12 फीट 10 इंच बाय 14 फीट का है, मतलब 12 फीट 10 इंच बाय 14 फीट का, तो इसे 13 फीट बाय 14 फीट का भी इसे कह सकते हैं। इसे एक डोर दिया है पीछे साइड की जगह यूज़ करने के लिए और पीछे साइड का जो एरिया है यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक विंडो भी दिया है। बाद में एक हमारा मास्टर बेडरूम है, इस बेडरूम का भी 12 फीट बाय 14 फीट का साइज़ है, 12 फीट बाय 14 फीट का। लेकिन इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है 4 फीट बाय 8 फीट का। ठीक है, तो इस टाइप में ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। अब इसका ऊपर की मंजिल का प्लान जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर की मंजिल क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई थी। तो उनको जो है यहाँ पर बेडरूम सेम, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम थी सेम बेडरूम रिपीट की गई है। ऊपर टॉयलेट बाथरूम भी सेम रिपीट किया गया है और ये बेडरूम भी सेम रिपीट की गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है किचन था ग्राउंड फ्लोर में, तो यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है। तो ऊपर 3 बेडरूम है और नीचे 2 बेडरूम है, ऐसे टोटल 5 बेडरूम है हमारी, 5 बेडरूम है। और यहाँ पर जो है ओपन हॉल रखा गया है, ये ओपन टेरेस भी रख सकते हैं या तो फिर ओपन हॉल भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पार्किंग के ऊपर जो है सीट आउट रखा गया है, यहाँ पर हम चेयर्स वगैरह डाल के बैठ भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग 1000 प्लान्स और डिजाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी प्लान्स हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।